हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए और फ्रेश व्लॉग पे। और सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, फिलहाल हूँ मैं अभी जिसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है उस शहर में हूँ जिसका नाम है भिलाई। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाने आया हूँ मैं। यहाँ का माहौल दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे कैसे मनाते हैं, यहाँ पे किस तरह का रैली निकाला जाता है। तो अपना अंकित भाई के पास मैं यहाँ पे आया हूँ, तो बताया कि यहाँ पे सुपर बाइक सुपर कार्स का रैली जो निकलता है और किस तरह यहाँ पे परेड होता है। तो आप सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो कि 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है हमारे भारत देश में, जो कि बहुत गर्व की बात है। तो बहुत मजा आएगा यहाँ पे, बने रहना ब्लॉग पे, मिलते हैं आपको डायरेक्ट परेड ग्राउंड। तो दोस्तों, हमें पता नहीं होता है कि भिलाई में कहाँ पे परेड होता है। बहुत ढूंढने के बाद भी हमें कहीं परेड नजर नहीं आता है, क्योंकि हम लेट हो चुके रहते हैं। फिर क्या, फिर हम जाते हैं रैली की ओर। तो गाइस, हम लोग अभी सिविक सेंटर के पास हैं, तो हम लोग को बीच में कुछ लोकेशन दिखा। तो फिलहाल अभी हम लोग जितना भी ग्राउंड था, क्या जयंती स्टेडियम भी अपन गए थे, वहाँ पे भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कोई, मतलब वहाँ पे परेड करने के लिए नहीं पहुँचा। तो हम लोग सोचे कि ये जो मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा फोटोज खिंचाते हैं। ये देखो क्या गजब का दिख रहा है गाइस। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, चल। ये अपना अंकित ब्रो, हेलो बोल दे यार। यही घुमा रहा है अभी हम लोग को भिलाई। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं गाइस और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, कितना गजब गजब। रायगढ़ में ऐसा कुछ व्यू नहीं दिखता है। तो अंदर चलते हैं। ये देखो बादल क्या गजब का दिख रहा है आज। लेट्स गो गाइस। यहाँ पे देखो अमीर, आराम से चल। चलते हैं गाइस, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे सिनेमेटिक शॉट ले रहे थे भाई का, तो वो ख़त्म हो चुका। अपन सोचे कि मतलब लोकेशन देखो कितना गजब का लोकेशन दिख रहा है, तो अपन सोचे कि यहाँ पे मस्त सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, जो कि आया है अपना मेरा जान रहे हो। एक और एक मैं पेज बनाया हूँ नागपुरी सिनेमैटिक करके, उसमें मैं अपलोड्स करता हूँ कि मैं कैसे शॉट लेता हूँ BTS वगैरह जो भी, तो ज़रूर से देखना और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो चलते हैं, लेट्स गो। 2000 years later.
भाई जितने पीछे हैं अपने डीजे वाइब्रेशन वाले जितने पीछे हैं सब का गाड़ी आगे लगा लेंगे। जितने डीजे वाइब्रेशन वाली कार और बाइक जितने पीछे हैं वहां पे सब अपना गाड़ी आगे ला लो। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं भिलाई में इतना खतरनाक माहौल था जो कि पहली बार मैंने ऐसा देखा कि 15 अगस्त में इतना भारी आबादी में इतना भीड़ था। बहुत मज़ा आ गया। अभी चलते हैं हम लोग, रैली फिलहाल कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी हम लोग रेनकोट उतार रहे थे, यहाँ बारिश भी हो रहा है तो जल्दी से चलते हैं। चल तो जल्दी से चलते हैं और आपको आप भिलाई का माहौल दिखाते हैं। इतना खतरनाक माहौल आपको कहीं नहीं देखने मिला होगा। लेट्स गो। चल अरे यहाँ पे हम लोग स्पाइडरमैन और भाई स्पाइडरमैन क्या बोलना चाहेंगे यूट्यूब पे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक डांस तो दिखा दो। सो गाइस
हम लोग बहुत भींग चुके हैं यहाँ पे, भिलाई में बहुत बारिश हुआ, तो हम लोग का ये इंडिपेंडेंस डे वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। इतना माहौल देखने के बाद तो कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि इतना क्राउड हमने पहले या तो मेरे ब्लॉग में आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोग रायगढ़ में और बाकी जगह शायद उतना खास माहौल नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे भिलाई में क्या यार इतना माहौल था, इतना ख़तरनाक बाइक्स का और साउंड साइलेंसर से बाप रे कान पूरा सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। बहुत मज़ा आया हम यहाँ तक बने रहने के लिए, दिल से धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, तो नया नया कंटेंट लाते रहेंगे, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टाटा बाय बाय।